हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और नए ऐसे का अध्ययन करेंगे। ये एक नया ऐसे है जिसका नाम है द चेंजिंग फेस ऑफ आवर विलेजेस, जिसका मतलब है कि हमारे गांव का बदलता हुआ चेहरा, या इस तरह भी पूछ सकता है कि रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में ग्रामीण विकास। ऊपर वाले का अर्थ है द चेंजिंग फेस ऑफ आवर विलेजेस, हमारे गांव का बदलता हुआ चेहरा, और या ऐसे पूछ सकता है कि रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में ग्रामीण विकास। फ्रेंड्स, ऐसे के और सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उन्हें देख लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए इसको स्टडी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। देखिए, आवर्स इज अ लैंड ऑफ विलेजेस, इसका अर्थ है कि हमारा हमारा देश जो है गांवों का देश है। इसका अर्थ है कि आवर्स इज अ लैंड ऑफ विलेजेस, हमारा देश जो है वो गांवों का देश है। मोस्ट ऑफ इंडियन पीपुल लिव इन विलेजेस, कह रहा है कि अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। बिफोर 1947, कह रहा है कि 1947 से पहले द कंडीशन ऑफ आवर विलेजेस, कह रहा है कि हमारे देश की जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, कह रहा है कि वह जो है फार कहीं दूर थी फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक स्थिति से। कह रहा है कि 1947 से पहले हमारे देश की स्थिति जो है वह संतोषजनक नहीं थी। देखिए यहां पर लिखा है फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी मतलब होता है संतोषजनक, और फार का मतलब दूर, सा करने मतलब कि संतोषजनक स्थिति से हमारे हमारे गांव की स्थिति जो थी वह दूर थी, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे गांव की स्थिति जो है वह संतोषजनक नहीं थी। कह रहे कि दे वेर द अबोड ऑफ डेट, अबोड मीन्स होता है घर होता है या निवास स्थान होता है, डेट मीन्स धूल। कह रहे कि वे मतलब जो गांव थे, वेर द अबोड ऑफ डेट, कह रहे वह धूल, इलिटरेसी, निरक्षरता, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एंड पॉवर्टी, और गरीबी के क्या थे, गरीबी के घर थे। कहने मतलब है कि गांव में गंदगी, निरक्षरता, बेरोजगारी और गरीबी थी। देखिए दूसरी हेडिंग है, इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरी हेडिंग की वर्क ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, कह रहा है वर्क ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, कह रहा है कि राष्ट्रीय गवर्नमेंट का कार्य, मतलब उसका कहने मतलब कि गांव की जो जो रूपरेखा बदली है, गांव का जो चेहरा बदला है, उसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने कौन कौन से कार्य किए हैं, मतलब गवर्नमेंट का क्या योगदान है। देखिए कह रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित नेहरू, कह रहा है कि पंडित नेहरू के लीडरशिप में, अर्थात पंडित नेहरू के नेतृत्व में, द नेशनल गवर्नमेंट, कह रहा है कि नेशनल गवर्नमेंट मतलब इसे केंद्र सरकार बोलते हैं, नेशनल गवर्नमेंट ने लॉन्च्ड एंड एक्सटेंसिव प्रोग्राम फॉर द रूरल अपलिफ्ट, कह रहे कि उसने गांव की रूरल अपलिफ्ट, अपलिफ्ट उन्नति, गांव की उन्नति के लिए एक, कह रहे कि प्रोग्राम लॉन्च किया, कार्यक्रम लॉन्च किया। उसका कहने मतलब कि गांव की उन्नति के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम चलाए गए। देखिए कंट्रीज 5 ईयर प्लान्स, कह रहे कि देश की पंचवर्षीय योजना एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट, और सामुदायिक योजना केम टू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आई, कह रहा है कि देश के अस्तित्व में पंचवर्षीय योजना आई और सामुदायिक प्रोग्राम आए, सामुदायिक कार्यक्रम आए। सामुदायिक कार्यक्रम मतलब ऐसे कार्यक्रम जिसमें सभी लोगों का भला हो। कह रहा है कि पीपुल बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन देम, कह रहा है कि लोग बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन देम, उनमें इंटरेस्ट लेने लगे, अर्थात लोग उनमें रुचि लेने लगे। कह रहा है कि व्हेन व्हेन जब दी रियल वर्क ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि निर्माण का रियल वर्क, अर्थात वास्तविक कार्य, किसके निर्माण का, ऑफ रोड, सड़कों के, ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल के जिसे सिंचाई की जाती है, एंड टैंक्स, और कुओं के, स्टार्टेड इन अर्नेस्ट, मतलब इसको गंभीरता पूर्वक आरंभ किया गया तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। उसका कहने का मतलब है जब रोड के निर्माण का कार्य किया जाने लगा, ट्यूबवेल के, कुओं के, गंभीरता पूर्वक इन कामों के निर्माण का कार्य किया जाने लगा, तो लोग उसमें इंटरेस्ट ले लेंगे।
दे रियलाइज्ड, उन्हें मालूम हुआ दैट कि द गवर्नमेंट हैड एडॉप्टेड ए गुड स्कीम, उन्हें मालूम हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है एक गुड स्कीम, एक अच्छी योजना को अडॉप्ट किया, एडम तो अपनाया है, उन्हें मालूम हुआ कि गवर्नमेंट ने एक अच्छी योजना को अपनाया है, एंड एवरीथिंग वॉज फॉर देयर गुड, और सारी चीजें जो है सब कुछ उनकी भलाई के लिए है। उसके बाद है चेंजेस इन द विलेजेस, गांव में परिवर्तन, इसका अर्थ है इस हेडिंग का चेंजेस इन द विलेजेस, गांव में परिवर्तन, मतलब इसका कहने मतलब जब आप गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए तो उसके बाद परिवर्तन क्या हुई। कह रहा है कि इफ यू गो टू सी अ विलेज, कह रहा है यदि हम एक गांव को देखने जाते हैं, वी आर सरप्राइज्ड टू सी, कह रहा है तो हम यह देखकर, हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं दैट की रोड्स, की सड़कें, की रोड्स आर गुड, की सड़कें अच्छी हैं। कह रहा है जब किसी गांव को देखने जाते हैं तो हम यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गांव की सड़कें अच्छी हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज बिगन टू फंक्शन, कह रहा है कि बिजली ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। स्कूल एंड हॉस्पिटल्स आर देयर, कह रहा है कि स्कूल और हॉस्पिटल वहां पे हैं। प्राइमरी स्कूल्स एंड जूनियर हाई स्कूल, कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल इम्पार्ट्स एजुकेशन, शिक्षा प्रदान कर रहा है टू चिल्ड्रेन, बच्चों को। हम पाते हैं कि वहां पर प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, इम्पार्ट मीन्स प्रदान करना। पीपुल टेक इंटरेस्ट, लोग रुचि लेते हैं इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, लोग पॉलिटिक्स में रुचि लेते हैं, मतलब राजनीति में रुचि लेते हैं। दे रीड न्यूज़पेपर्स, वे समाचार पत्र पढ़ते हैं, एंड कम टू द चौपाल, और वे चौपाल तक आते हैं, और वे चौपाल पर आते हैं टू हियर द रेडियो न्यूज, कह रहा है कि रेडियो के समाचार को सुनने के लिए। सम ऑफ देम, कह रहा है उनमें से कुछ लोग हैव देयर ओन रेडियो, उनका अपना रेडियो है, कह रहा हैव देयर ओन रेडियो सेट, उनका अपना रेडियो सेट है, और ट्रांजिस्टर, उनका अपना ट्रांजिस्टर है। दे गो टू देयर फील्ड्स, वे अपने खेतों में जाते हैं, एंड यूज ट्रैक्टर्स, और ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि पहले खेती क्या होती थी, बैलों से खेत की जुताई होती थी, लेकिन अब अधिक से अधिक किसान जो है जो कृषि के यंत्र उसको अपनाने लगे हैं, जिसमें से ट्रैक्टर मुख्य है। इन ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस, कह रहे लगभग सारे गाँव में द वर्क ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कह रहे कि संपत्ति के चकबंदी का काम, लगभग सारे गांव में कंसोलिडेशन मतलब होता है चकबंदी, और होल्डिंग मतलब संपत्ति, संपत्ति की चकबंदी का काम हैज बीन कंप्लीटेड, पूर्ण कर लिया गया है, मतलब चकबंदी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इट हैज बीन अ बून टू फार्मर्स, कह रहा है कि यह किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, मतलब कि यह जो है बून मने वरदान होता है, किसानों के लिए वरदान बन गया है। ड्यू टू इट, इसके कारण बिग फार्म्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, कह रहा है कि बड़े बड़े फार्म जो है अस्तित्व में आए, मतलब चकबंदी के कारण बड़े बड़े फार्म, मतलब बड़े बड़े खेत के टुकड़े अस्तित्व में आए। फार्मर हैव बिकम रिच, किसान धनी हो चुका है। दे यूज इम्प्रूव्ड क्वालिटीज ऑफ सीड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी मतलब इम्प्रूव मतलब होता है सुधार की गई, कह रहे कि दे यूज वे प्रयोग करते हैं इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सीड्स, कह रहे कि बीज सुधार की गई, बीज सुधार की गई गुणों वाले बीजों को। एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, और रासायनिक खादों को। सो देयर इज अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री, कह रहा है इस प्रकार देश में एक ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब एक हरित क्रांति उत्पन्न हुई। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड स्टफ इन द कंट्री, कह रहा है कि देश में फूड स्टफ मतलब खाद्य पदार्थों की कोई शॉर्टेज नहीं, शॉर्टेज मतलब कमी, मतलब देश में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। फूड स्टफ मीन्स खाद्य पदार्थ। अब लास्ट में देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, फिर उससे रिलेटेड हेडिंग्स लिखी जाती है, फिर लास्ट में जो है कंक्लूजन लिखा जाता है। देखिए, नाउ एवरीबडी, कह रहे अब प्रत्येक व्यक्ति थिंक्स, सोचता है दैट की गुड टाइम्स आर नॉट फार अहेड, कि गुड टाइम अच्छा समय जो है नॉट फार अहेड, अधिक दूर नहीं है। रहे नाउ अब एवरीबडी थिंक्स, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है दैट की गुड टाइम्स आर नॉट फार अहेड, कि अच्छा समय अधिक दूर नहीं है। एंड द कंट्री इज मार्चिंग टुवार्ड्स सेल्फ सफिशियंसी, और देश जो है इज मार्चिंग आगे बढ़ रहा है टुवार्ड्स सेल्फ सफिशियंसी मतलब आत्मनिर्भरता की तरफ, टुवार्ड्स लगता है की ओर के लिए, सेल्फ सफिशियंसी मतलब आत्मनिर्भरता। अब देश जो है आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, एंड प्रॉस्पेरिटी और समृद्धता की तरफ, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धता, विथ डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा के साथ, एंड होप और आशा के साथ। उसका कहने मतलब अब देश जो है आत्मनिर्भरता की तरफ
और समृद्धता की तरफ जो है दृढ़ इच्छा और आशा के साथ आगे बढ़ा है। कह रहे कि दिस इज वाई, कह रहे यही कारण है कि गांधी जी यूज टू से, गांधी जी कहा करते थे, गांधी क्या कहा करते थे, वी कैन नॉट प्रोग्रेस, हम प्रगति नहीं कर सकते अनलेस, जब तक द कंडीशन ऑफ आवर विलेजेस, जब तक हमारे गांव की स्थिति इंप्रूव्स नहीं सुधरती है, इंप्रूव मैंने सुधार करना, जब तक हमारे गांव की स्थिति नहीं सुधरती है तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। एंड सर्टनली ही वाज राइट, और निश्चित रूप से वह सही थी। तो फ्रेंड्स ये एक और ऐसे कंप्लीट हुआ और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स जितने भी ऐसे और मैंने अपलोड किए हैं आप एक बार उन सबको देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में एक सब्जेक्ट आ जरूर आ जाएगा, परीक्षा में अगर पढ़ लेते हैं तो आप जो है निश्चित रूप से लिख सकते हैं। और ऐसे के और ट्रांसलेस और पैसिव ट्रांसलेस की वीडियो लगभग 24 पैसिव ट्रांसलेस के अब तक मैंने अपलोड कर चुके हैं, उन सब दोनों देखेंगे तो दोनों दोनों आप काफी सुधार होगा आप में और ये दोनों जो है काफी मार्क्स गेन करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।